आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी चटपटी मसालेदार आलू शिमला मिर्च की सब्जी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप इस सब्जी को जरूर ट्राई करना, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और खासकर पराठे के साथ इस सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। हेलो दोस्तों, आपका सुष्मिता किचन में, कहो कैसे हो आप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर आलू शिमला की सब्जी बनाने के लिए सब करते हैं, बाउल लेंगे, बाउल में 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है, 1/2 चम्मच गरम मसाला लेना है, 1/2 चम्मच सब्जी मसाला लेना है, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी लेनी है। तो कसूरी मेथी आपको जरूर लेना है, इसे बहुत बढ़िया लाजवाब सा टेस्ट आएगा। 1/2 चम्मच चाट मसाला डाल देते हैं। अगर आपको चाट मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला की जगह अमचूर पाउडर यानी मैंगो ड्राई पाउडर भी ले सकते हैं। अगर आप अमचूर पाउडर ले रहे हैं ना, अमचूर पाउडर थोड़ा सा कम डालिएगा, क्योंकि अमचूर पाउडर में खटास होती है। मिला देते हैं। मिलाने के बाद अगर आपको लग रही है हल्दी कम है, अब थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिएगा। और मसाला आप अपने हिसाब से, सब्जी के हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा। तो मसालों को मिलाकर मसालों को हम साइड में रखते हैं और गैस चलाकर कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को गर्म करना है। जब तेल गर्म हो जाए तो गर्म तेल में 1/2 चम्मच जीरा डाल देते हैं और जीरा के साथ 2 से 3 चुटकी हींग डाल देंगे। हींग आपको जरूर डालना है और जीरा को हल्का सा लाल करना है। अब फिर यहाँ पे हम डाल देंगे बारीक कटे हुए लहसुन। लहसुन हमने 7 लहसुन लिया था, आप चाहे तो 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। जितना तीखा आप खाते हैं ना, उस हिसाब से हरी मिर्च या फिर सूखी लाल मिर्च डाल सकते हैं। चला देते हैं। लहसुन को हल्का सा फ्राई करना है कि लहसुन हमारी कच्ची ना रहे। तो गैस को हमने तेज ही रखा है। लहसुन को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। इसके बाद बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज में हमने 3 प्याज लिया था। चला देते हैं और हाई फ्लेम पे चलाते हुए प्याज को हल्का सा भून लेंगे कि प्याज हमारी ज्यादा लाल ना हो और ना कच्ची रहे। तो आप देख सकते हैं प्याज को हमने हल्का सा भून लिया है। जब इस तरीके से प्याज हल्की सी भून जाए ना, उसके बाद यहाँ पे मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर डाल देना है। तो टमाटर को ज्यादा छोटा ज्यादा बारीक नहीं कट करिएगा। और टमाटर साथ यहाँ पे उबले हुए आलू डाल देंगे। अब यहाँ पर गैस को मीडियम कर देते हैं और आलू टमाटर को मिला देते हैं। आलू उबालते समय आपको एक चीज याद रखना है, आलू को ज्यादा बॉयल नहीं करना है। अगर आप आलू को ज्यादा उबाल लेंगे, उसके बाद इस तरीके से आलू को भूनेंगे, आलू चलाते समय मैश हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम आलू को चला रहे हैं ना, एक भी आलू मैच नहीं हो रहे हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। आलू टमाटर को हमने यहाँ पे मिला दिया है। गैस को हमने मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हुए आलू को 2 से 2.5 मिनट के लिए भून लेंगे। लगातार नहीं चलाना है, एक बार चलाकर छोड़ दीजिए, फिर ढक दीजिए, फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, फिर चलाइए। इस तरीके से 2 से 2.5 मिनट के लिए आलू को भून लेना है। भून कर आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाएंगे तो सब्जी वाकई में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगी। फिर दोबारा प्लेट हटा देते हैं, ढक्कन हटा देते हैं और आलू को चला देते हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर 2.5 मिनट के लिए हमने आलू मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। तो आप देख सकते हैं आलू हल्के से भून गई है, साथ में टमाटर भी हल्के से सॉफ्ट हो गए। तो टमाटर को ज्यादा बारीक नहीं कट करिएगा। जब आलू भून जाए यहाँ पे डाल देना जो हमने मसाला तैयार किया था, मसाला डाल देंगे। और टमाटर और आलू की साइड में हमने शिमला मिर्च को भी कट किया है। तो शिमला मिर्च छोटा नहीं कट करिएगा, ये देखने में अच्छी नहीं लगेगी। देख रहे हैं ना, ज्यादा बड़ा भी नहीं कट किया है, ज्यादा छोटा भी नहीं कट किया है। और साथ में आप हम डाल देंगे 1/2 कप पानी। जब भी आप मसाला डालें तो पानी जरूर डालें, इससे मसाला भी अच्छे से भुन जाती है, मसाले में कच्चापन बिल्कुल नहीं रहता। बढ़िया से कलर देने के लिए काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आता है। अगर आप पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो इसकी जगह एकदम थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिएगा, उससे भी बढ़िया से कलर आता है। मिला देते हैं और गैस को धीमा रखना है, जिससे शिमला मिर्च भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, पक जाए और साथ में मसाला भी भून जाए। गैस को तेज बिल्कुल नहीं रखिएगा, यानी जल्दबाजी नहीं दिखानी है। चला दिया। जब आप आलू शिमला को चलाएं ना, एकदम हल्के हाथ से चमचे को चलाएं, जैसे आलू मैश ना हो। अब यहाँ पे हम डाल देंगे स्वाद के हिसाब से काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट। नमक डालकर नहीं चलाना है, कढ़ाई को ढक देते हैं और गैस को धीमा रखना है। आप चाहे तो सब्जी में पानी भी डाल सकते हैं। अगर आप ग्रेवी वाली सब्जी खाना पसंद करते हैं ना, जब मसाला अच्छे से भून जाए तो 1/2 से 1 गिलास पानी डाल सकते हैं। ढक्कन हटाएंगे, एक बार चला देंगे। इस तरीके से 2.5 से 3 मिनट के लिए हमें सब्जी को मसाले के साथ भून लेना है, जिससे मसाला भी भून जाए, साथ ही साथ जो शिमला मिर्च है ना, शिमला मिर्च भी पक जाए, कच्चापन बिल्कुल ना रहे। बस गैस को धीमा रखना है, लगातार नहीं चलाना है। जब आप चलाएं ना तो चमचे को एकदम आराम से चलाएं, जिससे आलू मैश ना हो। जब आपको लगे सब्जी एकदम सूख गई है, साइड से तेल दिखने लगी है, तो गैस को बंद कर देना है। एक बार नमक जरूर टेस्ट कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया, कितना औसम सा चटपटा सा कलर आया है। तो आप इस सब्जी को मेरे कहे ना थे एक बार जरूर ट्राई करना। रियली बता रहे हैं, सच में बता रहे हैं, सभी को बहुत बहुत ही पसंद आने वाली है। तो झटपट से गर्मा गर्म सब्जी को प्लेट में निकाल लेते हैं। पूरी पराठे रोटी चावल
किसी के साथ खाइए, हर तरीके से बहुत ही पसंद आने वाली है। बस आलू को ज्यादा नहीं बॉईल करना है, नहीं तो आलू मैसी मैसी हो जाएंगे और सब्जी देखने में अच्छी नहीं लगेगी। शिमला मिर्च को भी मसाले के साथ अच्छे से भून लेना है। जब आप मसाला डालें थोड़ा सा पानी जरूर डालें, इससे मसाला अच्छे से भुन जाए, मसाले में कच्चापन बिल्कुल ना रहे। यानी कुल मिलाकर सिर्फ 5 मिनट में आप आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी, आलू शिमला मिर्च की सब्जी की रेसिपी, आपको बहुत ही पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।